भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने 1 मिनट 40 सेकंड का एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में दो हिस्से हैं। पहले वीडियो में प्रियंका गांधी वाड्रा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल और कांग्रेस के अन्य नेता खड़े हैं। वीडियो में मुस्लिम धर्म से जुड़ी प्रार्थना सुनाई देती है। वहीं दूसरे वीडियो में एक व्यक्ति रिपोर्टर से बात कर रहा है। आप वो वीडियो देखिए जो संबित पात्रा ने इस दावे के साथ ट्वीट किया कि तुष्टिकरण के लिए वाराणसी में हुई रैली में प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने ऐसा किया। वही कांग्रेस जो हिंदू हितैषी ब्राह्मण हितैषी बन रही है, वही आज अपने मंच से जो है कि अजान करवाती है। क्या वो ब्राह्मणों की रक्षा करेगी? जो ही अपने हिंदू की रक्षा नहीं कर रही है, वो अजान मंच से करवा रही है। 10 मिनट के लिए सुनने आया है कि 10 मिनट के लिए वहाँ भाषण रुक गया था। कहाँ? प्रियंका जी का जो चल रहा था वहाँ पे अजान हुआ है 10 मिनट के लिए। अच्छा, मतलब अजान चल रही थी इसलिए भाषण रोक दिया गया। हाँ, रोक दिया। हाँ। अजान चल रही थी इसलिए नहीं रुका। हाँ। मंच से अजान का उच्चारण किया गया। अच्छा, ये बात है आज के रैली में। आज के रैली में। अच्छा। अब ये आप आए हैं काशी। काशी पूरे विश्व की सांस्कृतिक नगरी है। हाँ। और यहाँ पे आप विश्वनाथ जी जाते हैं, दुर्गा जी जाते हैं, संकट मोचन जाते हैं, दर्शन करते हैं और फिर आवाज निकालते हैं अजान की मंच से, ये मैं स्वीकार नहीं है। कौन आवाज निकाला था ये? उनके मंच से कोई होगा, वो तो मंच पे, वो तो बुलाए होंगे ना, कि ब्राह्मण या किसी को बुलाया जाता है मंच पे कि आप आइए ये सब बोलिए, तो वही है। संबित पात्रा ने ये क्लिप फेसबुक पर भी पोस्ट की। भाजपा नेता अमित मालवीय ने भी ये वीडियो ट्वीट किया। कीवर्ड सर्च करते हुए ऑल्ट न्यूज को इस रैली का एक वीडियो मिला। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 10 अक्टूबर को वाराणसी में हुई किसान रैली का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया। इसकी शुरुआत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के अनुसार प्रार्थना करने की बात कही जाती है। तो सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म के जो साथी यहाँ पे आए हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि मंत्रोच्चार के साथ जो है वहां माइक की व्यवस्था, वही माइक की कर दे, उसके बाद आएंगे वहीं पे मंत्रोच्चार के साथ। सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म के लोग, फिर हमारे मुस्लिम भाई, फिर हमारे सिख भाई और फिर ईसाई भाई जो हैं वो वहाँ पे स्वागत करेंगे और फिर आके यहाँ पे भेंट करेंगे। अब मैं हमारे बीच में उपस्थित सिख धर्मगुरु हमारे उपस्थित हैं, वो भी आशीर्वाद देंगे सभी को। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैवं गुरुप्रसाद जप। इस रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने संबोधन की शुरुआत संस्कृत श्लोक से ही करती है। मैं व्रत हूँ तो मैं माँ की स्तुति से शुरू करना चाहती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मेरे साथ कहिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वहीं संबित पात्रा ने जो वीडियो ट्वीट किया उसमें दूसरा हिस्सा द राजधर्म नाम के यूट्यूब चैनल का है। द राजधर्म ने 11 अक्टूबर को किसान न्याय रैली के संबंध में लोगों से बातचीत की थी। वही कांग्रेस जो हिंदू हितैषी ब्राह्मण हितैषी बन रही है, वही आज अपने मंच से जो है कि अजान करवाती है। क्या वो ब्राह्मणों की रक्षा करेगी? जो ही अपने हिंदू की रक्षा नहीं कर रही है, वो अजान मंच से करवा रही है। कुल मिलाकर वाराणसी में किसान न्याय रैली के दौरान कांग्रेस ने सभी धर्मों की प्रार्थना के साथ रैली की शुरुआत की थी, लेकिन संबित पात्रा ने सिर्फ मुस्लिम धर्म की प्रार्थना वाला हिस्सा शेयर कर भ्रामक दावा किया।